हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज हम स्टार्ट करेंगे एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स। अभी तक हमने बायोमैकेनिक्स में हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स और नी जॉइंट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। अभी स्टार्ट करने वाले हम एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स, जिसमें कि जितने भी एंकल जॉइंट में सारे के सारे जो जॉइंट्स आते हैं उन सभी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंकल जॉइंट में कितने सारे जॉइंट्स आते हैं, फिर उसका फंक्शन क्या है, एंकल जॉइंट का फंक्शन क्या है, उसके कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, और मूवमेंट्स को हम पर्टिकुलर जॉइंट वाइज देखेंगे कि किस जॉइंट में कौन कौन से मोशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मली ये देखेंगे कि हमारे एंकल जॉइंट में कितने जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे एंकल जॉइंट में टैलोक्रूरल जॉइंट होता है, ठीक है ना, टैलोक्रूरल जॉइंट जो कि टिबिया, फिबुला और टैलस मिलकर के बनाते हैं। फिर आता है हमारा सब टैलर और टैलोकैल्केनियन जॉइंट, मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है कि टैलस और कैल्केनियन बोन मिलकर के जॉइंट बना रहे हैं, जिसे कि हम टैलोकैल्केनियन और सब टैलर जॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट और मेटाटार्सो फैलेंजियल जॉइंट। ये सारे के सारे जॉइंट्स को हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें कि एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स में करीब 5 से 6 सीरीज या 6 से 7 सीरीज में हमारा ये पूरा जॉइंट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। और एंकल जॉइंट को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, एंकल जॉइंट पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एंकल जॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि देखने वाले हम, जिसमें सबसे पहला है वेट बेयरिंग। बॉडी का पूरा वेट ट्रांसमिट होता है हमारे ग्राउंड में, वो लास्ट में एंकल जॉइंट के थ्रू होता है, तो वेट बेयरिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद आता है मोबिलिटी। ऐसा नहीं, हम ये जानते हैं कि जो जॉइंट सबसे ज्यादा कवर्ड होता है लिगामेंट्स मसल से, वो बहुत ही उसमें मोबिलिटी थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल जॉइंट है, थोड़ी मोबिलिटी कम होगी। लेकिन हमारे एंकल जॉइंट में मोबिलिटी भी काफी अच्छी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोबिलिटी भी ये प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि हम जानते हैं कि डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन सारे मूवमेंट्स होते हैं। फिर आता है हमारा एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ सपोर्ट। भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये जॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लिगामेंट्स मसल्स मिल करके इसको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम अदर जॉइंट, जो पूरे जॉइंट्स का वेट आता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्या करता है, वेट को ट्रांसमिट करता है। इट विथ स्टैंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, और जैसे कि हम वेट ट्रांसफर कर रहे हैं, हम स्टांस फेज लिए और पूरा वेट दिए ग्राउंड पे, तो जो ग्राउंड का फोर्स आता है जिसे कि हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं, उसमें भी ये स्टेबल रहता है और उसको ये क्या करता है, लेता है। फिर सिक्स्थ है हमारा क्या फंक्शन इसका, एडजस्ट इन अनइवन सर्फेसेस। अनइवन सर्फेसेस जैसे कि आप अगर ग्राउंड में भी खेल रहे हो और अनइवन सर्फेस है ना, एक प्लेन रोड है या फिर आपका घर का फ्लोर है, वो तो एक इवन सरफेस है, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो और अनइवन सरफेस मिलती है, उसमें आप काफी ज्यादा स्टेबल पाते हो अपने आप को, बिकॉज ऑफ कि इतना सारा एंकल जॉइंट में लिगामेंट्स और मसल्स उसको क्या करके रखे, स्टेबल करके रखे। तो ये सारा का सारा फंक्शन है किसका, हमारे एंकल जॉइंट का। ओके, अब हम देखेंगे कि एंकल को पूरा क्लासीफाई करेंगे, उसमें हम किसमें, तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक है अपना रेयर फुट, फिर है अपना मिड फुट और फिर है अगला अपना फोर फुट। रेयर फुट में अपने कौन कौन से बोन आ रहे हैं, कैल्केनियम और टैलस। कैल्केनियम और टैलस अपने किस में आ रहे हैं, रेयर फुट में। इसको हम तीन में क्लासिफाई किए, जिसमें रेयर फुट में हमारे कैल्केनियम और टैलस है। मिड फुट में हमारी कौन सी बोन आ रही है, 5 बोन आ रही है, जिसमें कि नेविकुलर है, क्यूबॉइडल है और मीडियल क्यूनिफॉर्म। ये दिस साइड इज मीडियल एंड दिस वन इज लैटरल। इसमें मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडियल और लैटरल क्यूनिफॉर्म, ये तीन क्यूनिफॉर्म और क्यूबाइडल और नेविकुलर मिलकर के क्या बनाती है, पूरा मिड फुट में आता है, जिसमें 5 बोन्स होती हैं। बाकी आपका पूरा आता है फोर फुट में 5 मेटाटार्सल्स आते हैं, ठीक है, 5 मेटाटार्सल हो गए और बाकी सारे के सारे फैलेंजेस हो गए, ठीक है। तो ये टोटल पूरा क्लासिफिकेशन है हमारे किसका, एंकल जॉइंट का, जिसमें कि उसको हम तीन में क्लासिफाई किए हैं, रेयर फुट, मिड फुट और फोर फुट। और इन्हीं में ये सारे अपने एक दूसरे से जॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें कि टैलस कैल्केनियम के साथ बना रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, टैलोकैल्केनियल जॉइंट, ठीक है।
फिर टैलोक्रूरल हमारा टिबिया फिबला और टैलस से मिलकर के बन रहा है टैलोक्रूरल। बाकी फिर यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, मिड फुट और फोर फुट के बीच में क्या बन रहा है हमारा, सॉरी मिड फुट और रेयर फुट में क्या बन रहा है हमारा, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। फिर आता है हमारे टार्सो मेटाटार्सल और अब बाद में आते हैं अपने मेटाटार्सो फेलेंजल जॉइंट्स। और अभी हम देखेंगे कि जॉइंट मोशंस कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे इवर्जन एंड इनवर्जन। अभी जो हम जॉइंट मोशन देख रहे हैं एक्सिस को समझने के लिए देख रहे हैं, बाकी हम पर्टिकुलर जिस भी जॉइंट में आएंगे जैसे टैलोक्रोरल में सबटेलर में वहां पे जॉइंट के जो मोशंस हैं बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक्सिस यहाँ पे कैसी लग रही है उसे समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला इवर्जन इनवर्जन, जिसमें कि वो कौन से मोशन कौन से प्लेन में है, फ्रंटल प्लेन और ऑब्लिक एक्सिस। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो भी देखी है या फिर आप कहीं से पढ़े हो कि अगर हिप जॉइंट या नी जॉइंट या बॉडी की किसी भी जॉइंट में, तो अगर हिप जॉइंट और नी जॉइंट आपने पढ़ा है तो उसमें मैंने कभी भी ऐसा ऑब्लिक एपी एक्सिस, ऑब्लिक वर्टिकल एक्सिस है ना, ऑब्लिक एक्स एक्सिस ऐसे बात नहीं किया है। वहां पे पर्टिकुलर एपी एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर या फिर आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी वर्क करिए जेड एक्सिस वो है। लेकिन यहाँ पे एंकल जॉइंट में सारे ही प्लेन के साथ ऑब्लिक एपी एक्सिस, ऑब्लिक वर्टिकल एक्सिस या ऑब्लिक एक्सिस क्यों लग रहा है, वो चीज को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी एबडक्शन एडक्शन, अभी आप लोग समझ सोच रहे होंगे कि एबडक्शन एडक्शन तो मूवमेंट ही नहीं होता है हमारे एंकल जॉइंट में, लेकिन होता है, कपल्ड मोशन के थ्रू होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर जब हम जॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एबडक्शन एडक्शन में भी यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन और ऑब्लिक वर्टिकल एक्सिस आ रहा है, तो ये ऑब्लिक का क्या खेल है, ऑब्लिक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे ऑल मूवमेंट्स इन ऑब्लिक एक्सिस, क्यों सारे ही मूवमेंट में एक ऑब्लिक एक्सिस आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बायोमैकेनिकली जो हमारे बॉडी का एनाटॉमिकल पूरे जॉइंट का जैसे वो प्रेजेंट है, उस प्रेजेंटेशन के कारण यहाँ पे ऑब्लिक एक्सिस फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये है हमारी टिबिया जिसका ये मीडियल मेलुलस है और ये फिबला है लेटरल मेलुलस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक्सिस बनाए तो कैसी बन रही है, जो हमारा मीडियल मेलुलस है वो ऊपर है और लेटरल मेलुलस काफी नीचे है, तो ये जो एक्सिस बन रही है क्योंकि मोशन इसी में होगा सारे का सारा है ना, टैलस भी मूव करेगा, ये सारा मूव करेगा इसी में, तो ये जो एक्सिस बन रही है ये क्या बन रही है, हमारी ऑब्लिक एक्सिस बन रही है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि ऑब्लिक एक्सिस कैसे बन रही है। अब ऑब्लिक एक्सिस तो ये बन गई, लेकिन ऐसा प्रेजेंटेशन क्यों है, लेटरल मेलुलस इतना नीचे क्यों है, मिडिल मेलुलस ऊपर क्यों है, वो हम देखेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि बिकॉज लेटरल मेलुलस इज ग्रेटर देन द मीडियल मेलुलस, इस कारण से यहां पे क्या बन रही है, ऑब्लिक एक्सिस बन रही है। अब क्या क्या ऐसे रीजंस हैं, रीजंस व्हाई लेटरल मेलुलस ग्रेटर देन द मीडियल मेलुलस, क्यों लेटरल मेलुलस मीडियल मेलुलस से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, नी जॉइंट अरेंजमेंट ऑफ फिबुलर बोन। नी जॉइंट में जो फिबुलर फिबुला बोन है हमारा, उसका अरेंजमेंट हम जब देखते हैं, नी जॉइंट में क्या है हमारा, बनता है फीमर, फिर टिबिया के साथ वो आर्टिकुलेट करता है, आगे क्या रहता है हमारा, पटेला रहता है, और टिबिया के लेटरल साइड में, टिबिया के लेवल से नहीं, टिबिया के लेवल से थोड़ा नीचे क्या होती है, फिबुला लेटरल साइड पे, तो टिबिया ऊपर है फिबुला नीचे है, तो ऑब्वियस है कि फिबुला बड़ी होगी नीचे, है ना, उसका लेटरल मेलुलस जो है फिबुला का वो बढ़ेगा। तो सबसे पहला हमें ये समझ में आ गया कि पहले पहली चीज तो यही है कि नी जॉइंट में जो अरेंजमेंट है वो फिबुलर बोन मिडल फिबुलर बोन जो है वो टिबिया से थोड़ा नीचे है। दूसरा क्या है हमारा, लेटरल मेलुलस इज मोर पोस्टीरियर। लेटरल मेलुलस हमारी क्या है, थोड़ा पोस्टीरियरली साइड है, क्यों, वो ज्यादा पोस्टीरियर होगी तो ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना, मिडल मेलुलस के साथ, लेकिन क्यों, बिकॉज इन टिबिया हैव टॉर्सन। टिबिया में क्या है, टॉर्सन है, टिबिया थोड़ी सी एंटीरियरली क्या है, टॉर्सन है उसमें, विच गोस एंटीरियर एंड फिबुलर गोस पोस्टीरियर। और बॉडी को स्टेबल करने के लिए टिबिया जब अगर आगे की ओर टॉर्सन में है तो फिबुला थोड़ा सा पोस्टीरियरली टॉर्सन में रहती है, इस कारण से भी हमारी जो है क्या, लेटरल मेलुलस वो बड़ा है मीडियल मेलुलस के मुताबिक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि सारे ही मूवमेंट में जितने भी हमारे एंकल जॉइंट में मूवमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्लिक एक्सिस में किए हुए, तो ऑब्लिक एक्सिस में है, लेकिन ऑब्लिक एक्सिस फॉर्म कैसे हो रही है ये आपको समझ में आ गया।
और अब हम देखेंगे टैलोक्रूरल जॉइंट। ठीक है, तो टैलोक्रूरल जॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने से पहले हम थोड़ा बोन्स के बारे में देखेंगे कि किन किन बोन से मिलकर के बन रहा है। तो टिबिया है हमारी, फिबुला है और यहाँ पे टैलस है। ठीक है, टिबिया और ये फिबुला। तो टिबिया जो है हमारी ये मीडियल साइड है और फिबुला हमारी किधर है, लेटरल साइड है। ठीक है, बाकी ये टैलस है। तो टिबिया का पोर्शन और फिबुला दोनों से ही टैलस बोन मिल करके, टिबिया और फिबुला जो मोर्टाइस फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों को ही क्या कहेंगे हम, इस एरिया को क्या कहेंगे, एंकल मोर्टाइस। और इसमें जाकर के टैलस दोनों से, टिबिया और फिबुला दोनों से ही मिलकर के ज्वाइंट बनाएगा, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, टैलोक्रूरल ज्वाइंट कह रहे हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा टैलस की और देखेंगे कि टैलस बोन में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये हमारी टैलस बोन है जिसमें कि ऊपर का जो सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉक्लियर सरफेस कहते हैं। ठीक है, जो मीडियल साइड होता है उसे मीडियल फेसेट कहते हैं और लैटरल साइड पे हमारा लैटरल फेसेट होता है। ठीक है, ये सरफेसेस और फेसेट्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, हेड होता है। तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर ट्रॉक्लियर सरफेस है, लैटरल साइड पे लैटरल फेसेट है और मीडियल साइड पे मीडियल फेसेट है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये आर्टिकुलेट कर रहा है, जॉइंट आर्टिकुलेट कर रहा है, मतलब टिबिया फिबुला के साथ टैलस कैसे आर्टिकुलेट कर रहा है, तो ये फेसेट्स वहां पे हमें समझना होगा कि कैसे, कुछ फेसेट्स तो होंगे ना जिसके साथ वो क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम आर्टिकुलेशन के बारे में अच्छे से देखेंगे कि डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, टिबिया और फिबुला का डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमली तो टिबिया हमारे किसके साथ बनाती है जॉइंट, फीमर के साथ, लेकिन डिस्टल यहां पे एंकल जॉइंट में डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला एंड बॉडी ऑफ द टैलस। ठीक है, ये बॉडी ऑफ द टैलस है, इधर हेड है। तो बॉडी ऑफ द टैलस एंड टिबिया फिबुला ये मिल करके क्या बनाते हैं, ये आर्टिकुलेट करते हैं। ये एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट है और हिंज वेराइटी में आता है। इसमें क्या है, कैप्सूल्स है और लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स के भी बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से लिगामेंट्स है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकुलेशन कैसे हो रहा है। मीडियल मैलुलस ऑफ टिबिया अटैच विद द मीडियल फेसेट। यहां पे हमने देखा था ये क्या है, इसका मीडियल मैलुलस। तो मीडियल मैलुलस यहां पे क्या बोल रहा है कि मीडियल मैलुलस ऑफ द टिबिया किसके साथ अटैच करता है, हमारे मीडियल फेसेट के साथ अटैच करता है। और लैटरल मैलुलस ऑफ फिबुला अटैच विद द लैटरल फेसेट। ठीक है ना, और लैटरल साइड पे जो फिबुला है वो उस लैटरल साइड के फेसेट से क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। और जो ट्रॉक्लियर सरफेस है, टैलस में हमने सबसे ऊपर देखा था कि क्या है, ट्रॉक्लियर सरफेस। तो ट्रॉक्लियर सरफेस ऑफ टैलस अटैच विद द एंकल मोर्टाइस। हमने पहले भी डिस्कस किया कि एंकल मोर्टाइस क्या है। एंकल मोर्टाइस ये जो सरफेस है ये पूरा, जिससे कि टिबिया और फिबुला जो पूरा मोर्टाइस बनाते हैं वो क्या है, हमारा एंकल मोर्टाइस। तो ट्रॉक्लियर सरफेस जो कि ऊपर होता है, हमने यहां पे देखा वो ट्रॉक्लियर सरफेस हमारे एंकल मोर्टाइस के साथ क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। और जाकर के ये पूरे के पूरे क्या बनाते हैं, हमारा टैलोक्रूरल जॉइंट ऐसे जाकर के बनता है। और अब हम देखेंगे कि हमारे एंकल जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, एक है एंटीरियर इंफीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट। ठीक है ना, एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट रहता है और थोड़ा इंफीरियरली किससे, टिबिया और फिबुला दोनों को अटैच करके लिगामेंट रहता है, तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंटीरियर इंफीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट। दूसरा है हमारा इंट्रोसियस लिगामेंट, जो कि हमारी जो ये टिबिया है और ये फिबुला है, इन दोनों के बीच में होगा, तो इसे क्या कह रहे हैं हम, इंट्रोसियस लिगामेंट। ओके, तीसरा है हमारा लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। एंकल जॉइंट में जो लैटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है, सबसे ज्यादा मोर कॉमन होता है बॉडी में, जहां पे क्या होता है, स्प्रेन होता है। ठीक है, तो वहां पे दो लिगामेंट होते हैं। ठीक है ना, लैटरल साइड पे दो लिगामेंट, कौन कौन से, टैलो फिबुलर लिगामेंट और कैलकेनियो फिबुलर लिगामेंट। जो टैलो फिबुलर लिगामेंट है उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर दो होते हैं, और बाकी दूसरा हमारा कौन सा, कैलकेनियल फिबुलर लिगामेंट। तो ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट सबसे ज्यादा मोर कॉमन होता है स्प्रेन का। ठीक है, फिर चौथा है अपना मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या डेल्टॉइड लिगामेंट। सबसे ज्यादा, जिसे कि फैन शेप्ड लिगामेंट भी कहते हैं, उसके तीन पार्ट होते हैं। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और डेल्टॉइड लिगामेंट बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है एक तरीके से, और खास करके हमारे जो हिप में भी होता है जॉइंट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन हमारे एंकल जॉइंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेल्टॉइड लिगामेंट या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उधर स्प्रेन हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है।
अपना कौन सा आता है स्प्रिंग लिगामेंट जो कि हमारे फुट में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है एंकल जॉइंट के लिगामेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टैलोक्रूरल जॉइंट के कौन कौन से मोशंस हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको देखेंगे कि कैसे वो मोशन हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि टैलोक्रूरल जॉइंट एंकल जॉइंट पूरा अच्छे समझ में आया होगा, टैलोक्रूरल के एनाटॉमी प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।